नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो मैं लाया हूँ पेशेंट्स के एक्सपीरियंस, जो कि मुझे लगता है कि पेशेंट उसको करते रहते हैं और उनको परेशानी होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे जनरली बात हो रही है गर्म पानी या फिर आप काढ़ा अगर पी रहे हैं लगातार में तो आपके शरीर के अंदर, यहाँ पर मैं आपको 10 नुकसान बताऊँगा कि कौन कौन से 10 नुकसान हो सकते हैं अगर आप उसको गलत तरीके से ले रहे हैं या फिर बहुत लंबे समय से ले रहे हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में 3-4 पेशेंट इस तरह के मिले हैं, कॉल भी आई है कि उनके शरीर के अंदर परेशानी होनी शुरू हुई है। हिस्ट्री लेते हैं तो पता लगता है कि वह रेगुलर में लगभग 1-1.5 महीने से जब से वायरस चला हुआ तो वो जो है काढ़े ले रहे हैं और जो है गर्म पानी पी रहे हैं, तेज़ गर्म पानी पी रहे हैं, पूरी गर्मियों में जो है तेज़ धूप में भी वह गर्म पानी पी रहे हैं। तो देखा जाए तो ये चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन उसको लेने का तरीका, ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें इसमें वैल्यू करती हैं। वो आप सोचेंगे एक वीडियो मैंने ही बनाया हुआ जिसमें होम ट्रीटमेंट मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं, लेकिन उसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि वहाँ पे मैंने केवल ये बताया कि आपको चीज़ 2 से 3 दिन या 4 दिन आपको मैक्सिमम यूज़ करनी है। रेगुलर में आप यूज़ करेंगे तो आपको 100% परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आप गर्म पानी पी रहे हैं लंबे समय से या फिर आप कई तरह के काढ़े बना के पी रहे हैं जो कि आयुर्वेद में भी बताए जाते हैं, यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं कि आप ये काढ़े बना के पीजिए, इस तरह से पीजिए, तो आपके अंदर जो 10 परेशानी है उनमें से सबसे पहले आपको परेशानी होनी शुरू हो जाएगी, जैसे कि इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनमें आपको जलन होनी शुरू हो जाएगी। जो शरीर के अंदर के ऑर्गन्स हैं सबका टेम्परेचर अलग अलग होता है। आप तेज़ पानी पियेंगे, लगातार में पियेंगे, तेज़ काढ़ा पियेंगे तो हमारी बॉडी 3-4 बार या कुछ समय के लिए उसको झेल सकती है, लेकिन जब आप उसको रेगुलर में कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो परेशानी होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले जो देखने को मिलती है इंटरनल ऑर्गन की जलन मिलती है। इंटरनल ऑर्गन का मीन्स है कि आप मुंह के अंदर आपको जलन रह सकती है, होठों में सूखापन रह सकता है, गले के अंदर आपको जलन मिलेगी, ईसोफेगस जो फूड पाइप है इसके अंदर आपको जलन मिलेगी, पेट के अंदर, लीवर के अंदर आपको जलन होनी शुरू हो जाएगी और इंटेस्टाइन जितने भी हमारी आते हैं इनके अंदर भी आपको जलन होनी शुरू हो जाएगी और सुबह में जो आपको रेक्टम में भी जलन होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो सारे सिस्टम हैं ये हमारे इंटरनली हैं, जो कि पानी आप लगातार में इतना गर्म पियेंगे, तेज़ गर्म पियेंगे, लगातार में पियेंगे तो ये तो भैया अपना असर दिखाना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगली जो चीज़ है इसमें पेशाब में जलन होनी शुरू हो जाती है। सेकंड ये है कि यूरिनेशन जब करते हैं तो यूरिन में जलन आनी शुरू हो जाती है, स्मेल आनी शुरू हो जाती है। थर्ड पॉइंट से दोस्तों इसमें स्किन की डिजीज़ होनी शुरू हो जाती हैं। स्किन में हमारी बॉडी के अंदर गर्मी क्रिएट होती है तो हमारे शरीर के ऊपर, हमारी स्किन के ऊपर रैशेस निकलने शुरू हो जाते हैं, घमौरियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं, सूखी खुजली होनी शुरू हो जाती है। और अगला जो इसमें आता है इसमें सर दर्द भी रहना शुरू हो जाता है पेशेंटों को, कि लगातार में पानी पिया, गर्म पानी पिया, काढ़े पिए, सर दर्द रहना शुरू हो गया। अगला जो इसमें 5वां पॉइंट है इसमें सूरज में आप नहीं जा सकते हैं, तेज धूप हो रही है, आप उसमें जाएंगे आपके शरीर के अंदर खुजली होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, त्वचा का रंग जो है लाल हो जाएगा, धूप बिल्कुल भी सहन नहीं होगी, सूखी खुजली होगी। ठीक है, इस तरह की समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। जो लोग लगातार में तेज गर्म पानी पीते हैं उनकी जो है किडनी भी डैमेज होने शुरू हो जाती हैं, जो गुर्दे हैं धीरे धीरे करके वह भी डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, जो कि काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन बाद में बन सकती है। अगला जो नंबर 7 पॉइंट है इसमें दोस्तों, इसमें है मेन पॉइंट के गले के अंदर अटके वाली सेंसेशन फील होनी शुरू हो जाती है। सिंपली गले के अंदर अटकापन है, आपने जो होम रेमेडीज लेनी शुरू की लेकिन आपको 1-2 दिन फ़ायदा लगा, लगातार में आपने उस चीज़ को करना शुरू किया, आपके पेट के अंदर जो है एसिड बनना शुरू हुआ तो एसिड जब रिफ्लेक्स होगा तो पेट के अंदर से ही आपको गले के अंदर सेंसेशन होनी शुरू हो जाएगी, कोई चीज़ अटकी हुई है, बाहर नहीं निकल रही है, अंदर नहीं जा रही है। ठीक है, तो अटकेपन का भी एक कारण होता है। अगला 8वां पॉइंट है दोस्तों, इसमें नींद की कमी होनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे गर्म पानी पीते हैं नींद की कमी होनी शुरू हो जाती है। अगला इसमें शरीर के अंदर जलन निकलती है, आपके पाम्स में से जलन निकलेगी, सोल में से जलन निकलेगी, हथेलियों में से, तलवों में से जलन निकलनी शुरू हो जाएगी, आँखों में से जलन निकलनी शुरू हो जाएगी। और लास्ट जो इसमें पॉइंट है दोस्तों, महिलाओं में होने वाले जो पीरियड्स हैं, मेंसेस साइकिल होता है, वह भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर आप रेगुलर में यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को तो आप आज से ही इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि काफ़ी मैंने देखा है पेशेंट्स कॉल करते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है इतने लंबे समय से, पूछता हूँ तो बताते हैं कि हम 1 महीने से काढ़ा पी रहे हैं लगातार में, वायरस के डर की वजह से वे काढ़ा पी रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, 3-4 दिन छोड़ते हैं, 3-4 दिन में टोटल बॉडी अपने आप उसको बैलेंस कर लेती है और बॉडी जो है अपने आप ठीक हो जाती है, इसमें किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपके शरीर के अंदर इनमें से कोई से भी लक्षण है और आप लगातार में कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको आज ही छोड़ दीजिए, पहली चीज़। सेकेंड, जिन लोगों को
इन चीज़ों से आराम लग रहा है, कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, या इसको छोड़ने से उनको कोई परेशानी हो रही है, जैसे गले में दर्द स्टार्ट हो जाता है, नज़ला जुखाम, छींके, बुखार स्टार्ट हो जाती हैं, उन लोगों को ये जो फॉर्मूलेज हैं, गर्म पानी हैं, काढ़े हैं, इनको आप रेगुलरली यूज़ कीजिए। ठीक है, कभी आप सोचेंगे डॉक्टर साहब ने बता दिया तो आप उसको छोड़ दें, जिस चीज़ से आपको आराम लग रहा है आप उस चीज़ को कंटिन्यू में रखें, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, और जिनके अंदर थर्ड पॉइंट ये है कि जिनके अंदर कोई प्रॉब्लम होनी शुरू नहीं हुई है, वह नॉर्मली हैं, तो अब इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, गर्म पानी मत पीजिए, काढ़ा मत बना के पीजिए, जितना बॉडी ने लेना था वह ले चुकी है। तो आज की वीडियो में बस मुझे आपको यही बताना था कि आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार बोलती है कि आपको इतने दिन पानी पीना है और इतने काढ़े पीने हैं, तो आप ये देखिए कि भाई हमारी बॉडी के लिए सहन होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी जो है लिमिट में ही रहती है, तो आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना होगा। तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिए। गले के अंदर कोई परेशानी है किसी भी तरह की तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो और जो दोस्त मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ कल किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।